खबरों का रुख कर लेंगे। उत्तराखंड सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुस्लिम संगठन ने विरोध जताया है। देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद कासिम और इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद कासमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूसीसी से उनकी आज़ादी पर हमला किया जा रहा है और इसके खिलाफ वो न्यायालय की शरण में जाएंगे। संगठन ने सीएम धामी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को खुश करने के लिए कवायद की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जबरदस्ती एक खास तबके को थोपना, इसके खिलाफ एहतजाज दर्ज कराना है और हिंदुस्तान के जमहूरी लोगों को, इंसाफ पसंद लोगों को और दुनिया को ये बताना है कि अब हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान गांधी जी का हिंदुस्तान था और जिस हिंदुस्तान में तमाम मजाहब के लोगों को यकसा हक था अपनी आज़ादी और मजहबी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने का, संविधान ने हक दिया था, अब उसके ऊपर डाका डाला जा रहा है और उसको तबाह किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां के जिम्मेदारान और बड़े जो इंसाफ पसंद या पढ़ने लिखने वाले लोग या उसका मुताला करने वाले लोग कहते हैं कि अभी हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी जो पूरे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने बड़ों को खुश करने के लिए या ये दिखाने के लिए गैर मुस्लिम भाइयों को कि देखो हमने खास तबके को टारगेट करके उनको दबा दिया है, वो यहाँ उसको लागू करना चाहते हैं।